फिल्म 72 उड़े इस वक्त काफी चर्चा में है। इस फिल्म को कोई प्रोपोगेंडा बता रहा है तो कोई इस फिल्म को आतंकवाद की एक सच्चाई और आईना बता रहा है। कुछ लोग इस फिल्म का पूर्ण समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ विशेष समुदाय के लोग इस फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं। अब जब भी कोई फिल्म आती है तो उसका बॉयकॉट होना लगभग तय हो जाता है आम जनता के द्वारा, क्योंकि आम जनता को कुछ चीज़ें पसंद आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं, तो वो उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वही बॉयकॉट गैंग में कोई फिल्मी सितारा शामिल हो जाए तो वो बात हजम करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबिया शेख से रानी चटर्जी बनी एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने फिल्म 72 उड़े को प्रोपोगेंडा फिल्म का नाम दे दिया और कहा कि कुछ लोगों ने ऐसी फिल्में बनाकर और भावनाओं के साथ खेलकर पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। सबिया शेख उर्फ रानी चटर्जी ने इतना ही नहीं, 72 हुरे फिल्म के साथ साथ उन्होंने द केरला स्टोरी को भी एक प्रोपोगेंडा फिल्म ही बताया। अब सबिया शेख उर्फ रानी चटर्जी ने अपना नाम क्यों बदला और क्यों नहीं, ये बात वही जाने। लेकिन जब वो आतंकवाद जैसी फिल्म 72 हुरे का इतना विरोध कर रही हैं और ये कह रही हैं कि उनकी भावनाएं इस फिल्म से आहत हुई है, तो क्या अचानक से उनका आज इस्लाम धर्म उनके अंदर आग की तरह धधक उठा? 72 हुरे और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों से उनकी भावनाएं आज आहत हुई है, तो वो शुरू से अपने इस्लाम धर्म को फॉलो क्यों नहीं कर रही थी? क्या अचानक से 72 हुरे फिल्म का टीजर ट्रेलर देख के उनके अंदर इस्लाम धर्म जाग गया? अगर वो अपने इस्लाम के कहे राहों पर चलती और सबिया शेख से एक काफिर नाम यानी कि रानी चटर्जी नहीं बदलती तो शायद उनका इस फिल्म को बॉयकॉट करना कहीं तक समझ में भी आता। आप एक हिंदू नाम लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़ती हैं और उसके बाद एक ऐसी फिल्म का विरोध करती हैं जिस फिल्म से ना इस्लाम का कोई नाता है और ना ही आपका। ये फिल्म सिर्फ आतंकवाद को दर्शाती है, उसके बाद भी आपकी भावना कैसे आहत हो सकती है? और तो और, अगर आप अगर इतना ही इस्लाम को फॉलो करती तो शायद आप कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखती, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की कभी इजाज़त देता ही नहीं। दौलत शौहरत के लिए और जनता तक खुद को पहुंचाने के लिए आपने पहले तो हिंदू नाम को एक पिलर की तरह इस्तेमाल किया और जब आपने उस मुकाम को हासिल कर लिया जो आप मुकाम हासिल करना चाहते थे, उसके बाद अचानक से आपके अंदर सबिया शेख और इस्लाम जग उठा और रानी चटर्जी गायब हो गई। आज जब एक आतंकवाद पर आधारित एक फिल्म आ रही है जिससे कुछ चीज़ें एक्सपोज होंगी, तो उसको लेकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया। 72 हुरे फिल्म का किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी इससे कैसे भावना आहत हो गई? कैसे आपने इस फिल्म को एक प्रोपोगेंडा बता दिया? अब क्योंकि आपकी भावना इस फिल्म से यानी कि 72 हुरों से आहत हुई है जिसमें आतंकवाद के बारे में बताया गया है, इसलिए आज आपकी एक एक बात और बयान हम सबिया शेख नाम से ही लोगों तक रखेंगे, रानी चटर्जी नाम से नहीं। उन्होंने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी चलने के बाद से लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और इसी तरह की फिल्मों को जनता तक जानबूझकर परोस रहे हैं। अब इनको कौन बताए कि द केरला स्टोरी एक ऐसी घटना को दर्शा रही थी जो कहीं ना कहीं इस देश के साथ साथ दुनिया भर में महिलाओं के साथ घट रही थी और उस चीज को एक्सपोज कर दिया द केरला स्टोरी ने, जिसके बाद महिलाएं आज जागरूक हुई हैं। इतना ही नहीं, सबिया शेख का तो यह भी कहना है कि लोगों का ऐसी फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में, क्या लोग सच में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? अगर लोग द केरला स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं लेते तो द केरला स्टोरी इतने कम बजट में इतनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी कभी नहीं बन सकती थी। आगे सबिया शेख कहती है कि अगर वो मुस्लिम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको और उनके परिवार को आतंकवादी कहकर बुलाया जाए। एंटी मुस्लिम फिल्म बनाकर मेकर्स सिर्फ माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सबिया शेख जी को शायद ये बात नहीं पता कि 72 हुरे फिल्म एंटी मुस्लिम नहीं बल्कि आत्मघाती आतंकियों की स्टोरी को दर्शाता है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे आतंकवादी लोग नौजवानों को बहला फुसला कर और 72 हुरे का हवाला देकर उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उसी को यह फिल्म दर्शाता है। बस इतनी सी कहानी है और उसको लेकर आज आप में अचानक से इस्लाम जाग उठा, ये बात शायद मेरे साथ साथ इस देश के कुछ जनता को पसंद नहीं आई। सबिया शेख उर्फ रानी चटर्जी बिहार की जानी मानी अभिनेत्री में से एक हैं। इनके सोशल मीडिया पर मिलियंस फॉलोअर्स हैं और तो और, आज इनको ज्यादातर लोग इनके असली नाम सबिया शेख से नहीं जानते बल्कि रानी चटर्जी से जानते हैं। इन्होंने फिल्म में अपने कदम को रखा रानी चटर्जी के नाम से। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा और ओ न्यूज हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।